आज हम आधुनिकता में इतने डूब गए हैं कि हर पुरानी चीज़ बेकार लगती है। जैसे सब्जी काटने के लिए हंसिया की जगह मॉडर्न चाकू ने ले लिया, लोहे की कढ़ाई की जगह स्टील की कढ़ाई ने, वैसे ही कई ऐसी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसे या तो हम भूल गए हैं या बदल दिया है। लेकिन हम इसके साथ ही ये भी भूल गए कि इससे किसी का रोजगार जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जो लोहे के औजार और बर्तन बनाने का काम करते थे वो आज रोटी को मोहताज हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोहगड़ियों से हम मिले चित्रकूट की गलियों में। मंझनपुर गांव के ये लोहार अपनी आमदनी के लिए चित्रकूट की सड़कों पर झोपड़ी डाल लोहे के सामान बनाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति आप खुद ही देख लीजिए। तो क्या ये आपका पुश्तैनी काम है? पुश्तैनी क्या है? जो बाप दादा करते आए थे उसी को हम भी कर रहे हैं। पुश्तैनी की है, अब इसको हम नहीं करते हैं तो बच्चे भूखों मरते हैं। अब जगह थी नहीं, जैसे बाप दादा भटकते रहे वैसे अब भी भटक रहे हैं। उसके बाद क्या है कि उसी को कमाते खाते हैं और इसी में बच्चे पालते हैं, और लेडीज लोग भी घन कूटती हैं, हम भी घन कूटते हैं, हथौड़ी चलाते हैं, हंसिया खुरपी सब बनाते हैं। अब किसी तरह गांव गली में इधर उधर घूम टहल के अपना धंधा करके 150 200 का 300 का जो बिका उसी में फिर कोयला लोहा सब ले आए, उसी में फिर कमाए, फिर उसी में खा पी रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं आप बुंदेलखंड का? ये बनाते हैं, हंसिया है, कुल्हाड़ी है, खुरपी है, छन्नी है, करैया है, चिमटा है। आप यही सब बना के अपने बच्चों का पेट चलाते हैं। हम कटना है, तवा वा बेचते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं। चित्रकूट में ज़्यादा बिकता है? चित्रकूट में इसीलिए ज़्यादा बिकता है, गरीब किसान यहाँ ज़्यादा हैं। तो किसान भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तभी हम लोग यहाँ पड़े हैं, पेट पल रहा है भाई। वो लोग शहरों में कोई खरीदता नहीं, शहर में क्या है, सब रेडीमेड चला है। वो चीन वाला चाइनीज माल खरीदते हैं, उसी में बनाते हैं, और हम लोग मेहनत करते हैं तो किसानी चीज़ बनाते हैं, जो किसान यूज करते हैं, खेती किसानी का है, ये सब चीज़ बनाते हैं, लकड़ी काटते हैं। हम लोग एक बार जो चीज़ बनाते हैं उसको साल दो साल लोग चलाते हैं। ये लोग दोबारा मांगते हैं किसान? दोबारा मांगते हैं, आते हैं हमारे पास, आते हैं, हम भी जाते हैं देहात भी, किसानों के पास हम चले जाते हैं। यहाँ तो दसन साल से आते जाते हैं, कभी एक महीना चार महीना बनाते हैं फिर चले जाते हैं घर मंझनपुर अपना। खुद में आप बनाते हैं? खुद अपने से बनाते, मेहनत करते हैं अपना। तो जितना मेहनत करते हैं क्या उतना आपका पैसा मिल पाता है? हाँ, जब जैसे जैसी मेहनत कर दें, कभी 1000 की हो जाए, कभी 2000 की हो जाए, कभी 500, कभी 1 रुपये की नहीं होती है, दो दो चार चार दस दस रोज नहीं होता तो उसी को फिर खा लेते हैं। जो बाजारों आता है माल रेडीमेड, लाइट दाब दिया तो लोहा कट गया, बिलोटों से काट लेते हैं, लाइट दाबा तो पंखा चलने लगा, लाइट चला तो घन चलने लगा, वह सामान बनता तो सस्ता बिकता, तो हमारा कम मेहनत, हमको ज़्यादा मेहनत पड़ती तो कम रकम मिलती है, नहीं हमारा तेज सामान बिकना चाहिए। अब वो अच्छा कच्चा सब मिला के बना डालते हैं, और हम चार पाइयों की कमानी है, ट्रैक्टर की है, ट्रक की है, इनको बनाते हैं। अब हमको जैसे एक सामान है, कोई है, 1 घंटा लग गया, 10 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया, 25 मिनट लग गया, जो जैसा लोहा है। दिन भर में मानो 20 सामान, 30 सामान, 40 सामान, 50 सामान, 100 150 तक बना डालते हैं। हसिया खुरपी जैसे है तो 100 150 बन जाएंगी। उससे आप लोगों को क्या क्या मेहनत, क्या दिक्कतें होती हैं फिर बाद में? कुछ भी दिक्कत हो अपना, हमारा किसी तरह पेट तो पालेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे। अब जहाँ दर्द हो, जहाँ हमारे लगे, जहाँ कुछ भी हो, हमारे पेट के लिए होगा, यही एक धंधा है। और क्या करता अब किसी का उसमें दाब दोष नहीं। पेट से होती हैं या गर्भवती होती हैं तो आप लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं? फिर भी सब यही करते ही रहते हैं, अब कहाँ जाएं? तो आप खुद घन करती हैं? हाँ, खुद घन करते, अब हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे। अब देखो ये हमारे पेट ही के तो लिए आज हमारे लोहा गूंज गया, लग गया, ये देखिए।
रही थी। जितना मेहनत करते हो उतना आपको मिल जाता पैसा? मेहनत का है, जितना करेंगे उतना मिलेंगे, नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे। किसी दिन मिलता है अच्छा खाने को, किसी दिन भूखे ही बैठे थे, क्या करें। जब बिक्री होगी तब खाएंगे, नहीं अपना सामान रखा है। तो आप लोगों को किस तरह का, क्या करें? वो जो पहले जो गल्ला पानी इकट्ठा किया था हम लोगों ने, उसी को खा पी रहे थे बस, और कोई सुविधा हमको नहीं मिली। और पुलिस वाले आते थे और बड़े बड़े आदमी आते थे तो दूसरों को देते थे, हमको देते भी नहीं थे। अब मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही पड़े रहते थे। सरकार ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा ही नहीं। अभी अच्छा सोचा होता तो क्यों फुटपाथ पे पड़े रहते। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।